आप जो कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं, उस बंदे के पास चार तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक दो बेडरूम का घर है अहमदाबाद में, वेयर इज ओल्ड मदर लिव्स। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपनी बोरी अवस्था बांध के अहमदाबाद चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। तो वो अपनी एक्सपेरिमेंट कर रहा है 22-25 करोड़ लोगों के ऊपर कि मैं कैसे वजीर आजम बनूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। देखिए बात यह है कि ईमानदार होना जरूरी है, पर ईमानदार, सिर्फ ईमानदार होने से देश नहीं चलता, मुल्क नहीं चलता, आपको काबिल भी होना है। मैं ऐसी टीम इकट्ठा करूंगा कि ये शहबाज गिल टाइप की उसने इकट्ठा कर लिया, टीम में 13 में कुछ पता ही नहीं, दे डोंट नो। ये इमरान खान को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं पॉपुलर हूं भारत में। इमरान खान कभी थे, क्योंकि उस देखिए क्रिकेटर जब दोनों क्रिकेट के, क्या शोएब अख्तर पॉपुलर नहीं था इंडिया में? क्या वसीम अकरम पॉपुलर नहीं था? क्या जावेद मियांदाद पॉपुलर नहीं था? क्या सलीम मलिक पॉपुलर नहीं था? आपने देखिए, इंडिया से नाराजगी मुझे समझ में आती है। चलिए आपको अमेरिकन भी पसंद नहीं है, वो साजिशें करते हैं, बुरे लोग हैं, गंदे लोग हैं। इंडिया, चलो यहूदी आपको वैसे नहीं पसंद, यहूदी बुरे हैं, सब मान लिया, चीनियों को तो खुश रखते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INN न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों मोदी जी के लाइफ स्टाइल का दीवाना हुआ पाकिस्तान। दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 74 साल में जितने भी लीडर पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद करने के अलावा कोई भी काम नहीं किया है। चाहे वो इमरान खान हो, लगातार इमरान खान अब फिर से एक बार बयान दे रहा है कि वो नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि जब इमरान खान आया था, तब उसने उस समय भी कहा था कि मैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाऊँगा। लेकिन जिस प्रकार के रियासत मदीना पाकिस्तान आज बन चुका है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के हर गली में खून खराबा जो है वो एक मिनट में हो सकती है। यानी कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी आवाम है उनमें इतनी दूरियां पैदा कर दी हैं अपने भाषण से कि आज पाकिस्तानी आवाम जो है वो आपस में लड़ने के लिए, एक दूसरे को कत्ल करने के लिए तैयार है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हो या फिर जो डेवलपमेंट हो वो इतनी तेज़ी से बढ़ी है और इतनी तेज़ी से अच्छी हुई है, उसको देखते हुए पाकिस्तान जो है वो हमेशा भौचक्का रहता है। आपने दोस्तों हमेशा देखा होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो हमेशा मोदी जी की तारीफ करती रहती है। हालांकि कश्मीर पर तो आपको पता होगा कि उनका जो स्टैंड है वो तो वही है, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए, भारत की फॉरेन पॉलिसी की बात की जाए, तब वो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं। और इस वीडियो में भी मेजर गौरव ने सही बताया है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी लाइफ स्टाइल क्या है, और वही अगर इमरान खान की बात की जाए तो उसकी लाइफ स्टाइल क्या था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मेजर गौरव ने और क्या क्या कहा है। जो बात आप कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उसकी वजह से पाकिस्तान के, खैर पहले कौन से जो है वो पाकिस्तान के अवाम आपके हक में या भारत के उस तरीके से है, लेकिन इसके बाद क्योंकि इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी लेवल है इस वक्त बहुत हाई जा रहा है, तो लोग जो है वो आपके खिलाफ होंगे कि ये तो हमारे लीडर के लिए इन्होंने ऐसा कह दिया, कि आपने उसके बारे में कुछ सोचा कि मैं ये बात कर रहा हूं तो इसके ऊपर तो ये वाला रिएक्शन आएगा? मैं आपको बताता हूं इसका, मैं ना थोड़ा सा घूम के आपको जवाब देता हूं, तब शायद मैं समझा पाऊं। जो भी आपके व्यूअर्स हैं, आप तो जियो पॉलिटिक्स या फॉलो करती हैं, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन व्यूअर्स शायद ना फॉलो करते हो। अक्सर पाकिस्तानी ये हमसे कहते हैं कि यार जो आपके डॉक्टर जयशंकर है ना, कमाल का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, भारत की कमाल की डिप्लोमेसी है। और ये पाकिस्तान अक्सर कहते हैं कि रशिया से तेल भी खरीद रहा है, S-400 भी खरीद रहा है, अमेरिका का भी स्ट्रेटेजिक अलाइंस है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर साहब, ये लोग बड़े कॉम्पिटेंट हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, इसमें कोई शक नहीं है। पर बात कॉम्पिटेंस की नहीं है यहां पे, और मैं बात थोड़ी सी इमोशनल करूंगा, और ये प्रैक्टिकल भी है, इमोशनल बात भी आ लिया जी और ये प्रैक्टिकल बात भी है, और मैं आपको बताता हूं क्या बात है। आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर के सामने शाह महमूद कुरैशी इतने फीके क्यों लगते हैं? ये इमोशनल बात है, ये जज्बाती बात है, लेकिन यह सच है। इनको अपने मुल्क से ना, शाह महमूद कुरैशी को अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मैं आपको बताता हूं, इनको चाहे मेरी बात का बुरा लगे, इनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं। ये तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना हमारा काम है, आपने भी शुरू कर दिया। मैं आपको बताता हूं कि बात यह है कि अगर इमरान खान यह बोले कि एटम बम गिर जाए पाकिस्तान पर, लेकिन यह सरकार नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, हाउ कैन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? मतलब एक बंदे की बेरोजगारी पूरे मुल्क में आग लगा दी है, एक बंदे की बेरोजगारी, और पूरे झूठ पे मबनी, कंप्लीट लाइज। ये आप जो कहते हैं ना कि
नरेंद्र मोदी जी यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये भाग रहे हैं। उस बंदे के पास चार तो कपड़े हैं, एक सूटकेस है, एक दो बेडरूम का घर है अहमदाबाद में, वेयर इज ओल्ड मदर लिव्स। जिस दिन वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, वो अपनी बोरी अवस्था बांध के अहमदाबाद चले जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। देखिए ये जो है ना, ये बैरागी टाइप के लोग हैं। ये इनके पास कोई वेल्थ नहीं है, इनके पास कोई चमकती हुई घड़ियां नहीं है हीरे की, इनके पास कुछ नहीं है। ये खाने भी ऐसे खाते हैं कि आपको लगता है कि मतलब कि बिल्कुल सादा खिचड़ी खा ली, थोड़ा सा ये खा लिया, ऐसा इनका खाना है। ये टोटली डेडिकेटेड। इसमें देखिए सबसे पहले ठीक है, इंडिया के पास पैसा है, इंडिया बहुत बड़ी मंडी है, ये सब चीजें हैं। लेकिन इंडिया की डिप्लोमेसी तब भी अच्छी थी जब इंडिया में भूख से लोग मर रहे थे। अली जी ये जो अक्सर पाकिस्तान में कहते हैं ना भारत बहुत बड़ी मंडी है और सब लोग भारत की इस बात मानते हैं कि भारत पर बहुत बड़ा पैसा है, ये पैसा तो हमारे पास 90s के बाद आना शुरू हुआ। भारत के तो बहुत बुरे हाल थे, हमारा 68 टन सोना उस समय गोल्ड रिजर्व से चलती थी, 68 टन सोना हमारा गिरवी रख दिया था हम लोगों ने। हम IMF के प्रोग्राम में गए, एक बार गए, पर उसके बाद हमने पेट पे पत्थर बांध लिया, हमने बोला कि भूखे सो जाएंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे। हमने कुछ करा, अपनी पूरी इकोनॉमी को हमने बदला। आज की तारीख में हम दोबारा नहीं गए, एक बार गए थे हम 90 अर्ली 90 91 92 कभी गए थे, उसके बाद कभी नहीं गए IMF के पास। ये कहां से आया? क्या कोई इंडियन कोई स्पेशल ब्रीड है, या इंडियंस के पास कोई ऐसी अकल है, कोई शऊर है, कोई ऐसा इल्म है, ऐसा दिमाग है जो पाकिस्तानियों के पास नहीं? ऐसा दैट्स नॉट ट्रू। पर हमारा जो भी प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा प्रधानमंत्री है, जो भी हमारा आर्मी चीफ है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं अलिया जी, किसी का बाहर में प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, बच्चे किसी के सेटल होंगे, वो डन, दैट इज ओके, बच्चों की अपनी मर्जी है, बच्चे जहां भी जाएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी ड्यूअल नेशनलिटी है, इसका ये है, इसका ये है, इसका यहां पे घर है, इसका ये घर है। इन्होंने यहीं पे पैदा होना है, भारत में यहीं में मरना है, और ये जज्बे का फर्क है, ये जज्बे का फर्क है। मुझे एज अ हिंदू मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है, मैं कभी किसी मस्जिद के अंदर नहीं गया। अजय जी, मैं कंप्लीट कर लूं अगर आपके परमिशन हो। ये प्रॉफिट मोहम्मद के मॉस्क में जाके ये नारेबाजी कर रहे हैं, मुझे तो अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि हाउ कैन यू डू दिस। मतलब कि ठीक है, आप बाहर आके गोली मार दो यार बंदे को, आपको गोली मारनी है गोली मार दो यार, अंदर तो बदतमीजी, यू शुड नो वेर यू आर स्टैंडिंग। एंड इतना एज अ हिंदू हु हैज नेवर एंटर्ड अ मॉस्क, मैं कभी मस्जिद के अंदर गया नहीं, मस्जिद की सीढ़ियां नहीं चढ़ी, ठीक है, लेकिन इतनी अकल तो मुझे भी है। और जो रियासत है मदीना बनाने की बात कर रहे हैं, उनमें इतनी सूझबूझ नहीं है, यही कहना चाह रहा हूं मैं आपसे जी। ये जो भी आपने बात की, इसी में से जो सवाल निकलता है कि आपने ये कहा कि देखिए आप भारत के जो लीडर्स हैं हमको देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी दीगर लीडर्स हैं, वो बाहर जाके जो है उन्होंने बाहर नहीं जाना, वहीं पर उनका होता है और वहीं पर उन्होंने रहना है, वहीं पर मरना है, सब कुछ। तो अगर इस नैरेटिव को आप लें तो फिर तो आपको इमरान खान की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि मैंने तो यहीं पर मैं रहा हूँ सारी जिंदगी और मैंने यहीं पर मरना है, मैं कहीं नहीं जा रहा बाहर। और अगर वो जायदादों की बात भी करते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं बनाया, वो तो अपनी मिसाल ये पेश करते हैं, तो इस तरह तो अच्छा। और साथ में ये भी सवाल हो, इसी में इसी के साथ ये भी पता चलता है कि हम देखते हैं कि भारत में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, इससे भी आप अग्री करते हैं? भारत में नहीं, भारत में जब क्रिकेट खेल रहे थे तब थी। ये इमरान खान को बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मैं पॉपुलर हूं भारत में। इमरान खान कभी थे, क्योंकि उस देखिए क्रिकेटर जब दोनों क्रिकेट के, क्या शोएब अख्तर पॉपुलर नहीं था इंडिया में? क्या वसीम अकरम पॉपुलर नहीं था? क्या जावेद मियांदाद पॉपुलर नहीं था? क्या सलीम मलिक पॉपुलर नहीं था? मैं जब स्कूल में था, मेरे कमरे में वसीम अकरम का पोस्टर लगा हुआ था, मेरे कमरे में।